नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे कि भारत सरकार के द्वारा एक बिल पेश करके संसद में रखा जाएगा और उसके बाद से पूरे देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। तो दोस्तों, ये जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले हैं, उनके मन में भी बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि इस वीडियो में क्लियर होंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, स्कूल और कॉलेजों के प्रबंधक हैं, उनके भी बहुत सारे डाउट्स हैं, वो भी इस वीडियो के द्वारा हम क्लियर करेंगे। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में इस वीडियो को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। इसके अलावा एक विस्तृत वीडियो इसी टॉपिक पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम बनाएंगे, जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले जो एस्पिरेंट्स है या उच्च जो प्रशासनिक पदों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में छात्रों को अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं और आसान भाषा में समझते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, राष्ट्रीय एजुकेशन मिनिस्टर जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है आपके रमेश पोखरियाल, इन्होंने जो है ये नीति यूँ कहें कि जारी की है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री होने के नाते ये इनके अंतर्गत आता है, इनके डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब आपको बेसिक एक जानकारी हम आपको दे देते हैं यहाँ पर जल्दी से, कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसकी कवायद आज से नहीं चल रही है। सन 2014 से जब से नई सरकार आई, यानी कि मोदी सरकार आई है, इन्होंने एक अपने मन में, या आप यूँ कहें कि इनके मैनिफेस्टो में शामिल था कि देश में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता है, जिससे कि जो एजुकेशन का हमारा सिस्टम है इसमें बदलाव किया जा सके और जो एक नीति चली हुई है, शिक्षा का एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें कि स्टूडेंट जो हैं केवल रट के पास होने के लिए ही पढ़ता है और आगे जाके फिर उसे रोज़गार नहीं मिलता, क्योंकि स्किल्स का जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स में। तो इस चीज़ को, इस सिस्टम को बदलने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोदी सरकार के द्वारा लाई गई है। इसके तहत स्टूडेंट्स को बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जैसे कि छात्र जो है अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद में अलग अलग फील्ड में रोज़गार पा सकता है और हायर एजुकेशन के लिए भी उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले होंगे, और साथ ही स्टूडेंट्स का समय भी कई तरह के कोर्सेज को करने में जो एक तरीके से वेस्ट हो जाता है उसको भी कम करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा शिक्षकों की भी बहुत सारी समस्याओं को इसमें एड्रेस किया गया है, तो डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये सरकार की प्राथमिकता में थी 2014 से मैनिफेस्टो में, तो देश में शिक्षा के स्तर का विकास करना ताकि हम अग्रणी देशों में जो डेवलप्ड कंट्री है उनके बराबर आके खड़े हो सकें, और ऐसी शिक्षा पद्धति लागू की जाए जिससे कि स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो और भी ज़्यादा सुनहरा और उज्जवल हो। इसके अलावा जो इस शिक्षा नीति के कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो इसरो के पूर्व प्रमुख हैं के कस्तूरी रंगन, और इन्होंने भी शिक्षा नीति के बारे में कहा है कि इस शिक्षा नीति को बनाने के लिए बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, बहुत सारी जो रिसर्च की गई है इंडिविजुअल्स की सामूहिक रूप से, उनको देखते हुए नए आयाम को शामिल करने की कोशिश की गई है, और ये नीति सभी की पहुंच, क्षमता और गुणवत्ता, इसके साथ वहनीयता, जवाबदेही आदि जो मार्गदर्शी उद्देश्य हैं उन पर आधारित है। कुल मिला के यूँ कहें कि एक जो स्टूडेंट होता है, एक जो युवा होता है जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ता है, उसका संपूर्ण विकास करने के लिए इस तरह की शिक्षा नीति का
जो है गठन किया गया है। और इस नई शिक्षा नीति की कवायद जो है 2014 से आपको जैसा कि मालूम है चल रही थी, 2015 में जो है ऐसा एक मसौदा तैयार किया गया TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, जो कि पूर्व में कैबिनेट सचिव रह चुके हैं, लेकिन उनका मसौदा रिजेक्ट कर दिया गया सरकार के द्वारा। 2016 में ये जो आपके इसरो के पूर्व प्रमुख है K.कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने नया मसौदा तैयार किया और उसके आधार पर ही ये जो नई शिक्षा नीति है ये लागू होने जा रही है। इसको सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। और इससे पहले जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा, उसके बाद 34 साल बाद में ये फिर से एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। अब जल्दी से जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, बड़े बदलाव जो कि मुख्य रूप से छात्रों और जो शिक्षक हैं उनके लिए जो है जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको जानकारी होगी कि जो HRD मिनिस्ट्री है यानी मानव विकास मंत्रालय जो है उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके अलावा जो 10+2 का फॉर्मेट था यानी कक्षा 10+2 का ये जो पुराना फॉर्मेट था, इसको ख़त्म करके अब 5+3+3+4 यानी 5-3-3-4 में डाल दिया गया है। अब ये 5-3-3-4 क्या है, इसको समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि पहले 5 साल में आपके जो पहले 3 साल है यानी प्री प्राइमरी स्कूल के जो 3 साल हैं, उसके अलावा 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 के, इन 5 सालों को मिलाकर आपको फाउंडेशन स्टेज में शामिल किया गया है। यानी जब आप प्री प्राइमरी से यानी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, एक बच्चा 3 साल का बच्चा एडमिशन लेता है तो प्री प्राइमरी के उसके 3 साल, उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 के उसके 2 साल, ये फाउंडेशन स्टेज के 5 साल हो गए। तो पहला जो 5 है 5+3+3+4 में वो इसके लिए है। और इस स्टेज में क्या किया जाएगा कि बच्चे के मन में जो शिक्षा है उसके प्रति आपके रुचि पैदा करना इसका उद्देश्य होता है। और इसमें बच्चे की नींव मजबूत की जाती है इन 5 सालों में, साथ ही इन 5 सालों में बच्चों को खेल कूद की गतिविधियों के साथ साथ शिक्षा देने की कोशिश की जाती है। अब अगला जो +3 है, इसका मतलब है अगली 3 कक्षाएं, कक्षा 3, 4 और 5। इस चरण में क्या किया जाता है, इस चरण में बच्चों को गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों की जो है शिक्षा दी जाएगी। फिर अगला जो +3 है उसका मतलब है कि कक्षा 6 से लेकर 8, जो कि एक मध्य चरण है, इसे मध्य चरण माना गया है इस शिक्षा नीति में। इस चरण में बच्चों को ऐप बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, कोडिंग करना आदि काम करवाए जाएंगे, जो कि चीन जैसे देशों में होता है। हमारे देश में अभी तक जो कॉलेज स्तर के अभी तक जो सिस्टम था, एजुकेशन का सिस्टम, कॉलेजेस में आने के बाद भी स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें जानने को और सीखने को नहीं मिलती थी, जिनमें ऐप बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, कोडिंग करना बहुत ही कम जगह, इंजीनियरिंग वगैरह में ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती थी। लेकिन अब ये स्कूल के लेवल पर करवाया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि इसका जो विज़न है वो कितना बड़ा है। अगर ये चीज़ अगर लागू हो गई और ये सफल हो जाएगी आने वाले कुछ वर्षों में, तो बहुत बड़ा परिवर्तन देश में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसका ये जो +3 का मध्य चरण है कक्षा 6 से लेकर 8 का, इसमें जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनके व्यक्तित्व का निर्माण यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के साथ साथ उनको ऐसी स्किल्स दी जाएगी जिससे कि वह रोज़गार प्राप्त कर सके, उसकी जॉब लग सके। तो बहुत ही बड़ा विज़न है। इसके अलावा यहाँ पर इस स्टेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब नई नीतियाँ लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों अभी का जो हमारा सिस्टम है इसमें जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो आपने एजुकेशन यहाँ तक कि हायर एजुकेशन करने के बाद भी रोज़गार नहीं पा पाते हैं। इसलिए नई जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि कि रोज़गार निश्चित रूप से स्टूडेंट्स को, युवाओं को मिल सके। इसके बाद में जो आखिर का जो स्टेज है +4 का,
इसका मतलब है आपके माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष यानी कक्षा 9 से लेकर 12 तक के, कक्षा 9, 10, 11, 12, जिसमें कि छात्रों में गहरी सोच को विकसित करने का प्रयत्न किया जाएगा, छात्रों की जो विश्लेषण क्षमता है उस पर काम करने का प्रयास किया जाएगा और इसमें बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो करने की जो है कोशिश की जाएगी। ये इसका विज़न है नई शिक्षा नीति का। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि 5+3+3+4 ये क्या है, आप एक बेसिक आइडिया तो आपको लग गया ही होगा। साथ में इसमें उम्र का क्या रोल है कि जब बच्चा 3 साल का होता है, सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि 3 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है, तो स्कूल में जो 10+2 का जो पाठ्यक्रम चलता था अब उसको नया पाठ्यक्रम का एक ढांचा बनाया जाएगा 5+3+3+4 की तहत, तो आपका पाठ्यक्रम भी अब चेंज होने वाला है। लेकिन किसी को ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अभी मैं जिस क्लास में हूँ या जिस स्टैंडर्ड में हूँ तो आगे क्या होगा, तो ये जो नया सेशन आपका आ रहा है इसी से ही जो है ये नई शिक्षा नीति लागू होगी। तो पहले अगर आपने कोई सब्जेक्ट ले रखा है या आप 11th क्लास में हैं तो आपको कहीं ये दिक्कत नहीं होने वाली है कि आपको अचानक से बहुत सारा कुछ चेंज करने को मिलेगा। आपको ऑप्शनल रहेगा कि आप जो हैं चेंजेस कर सकते हैं, आप नए सब्जेक्ट्स ले भी सकते हैं, आपकी इच्छा है तो नई भी लें, तो ये आपके ऊपर ऑप्शनल रहेगा। तो आपको किसी भी तरह का दबाव नहीं है कि आप सब्जेक्ट दूसरे ले ही लें 10th के बाद या 11th के बाद, अगर आप 11th में आ जाएं तो, या फिर आप हायर एजुकेशन में हैं, कॉलेज के दूसरे तीसरे साल में हैं, तो ऐसा कोई दबाव नहीं है, आप ऑप्शनल आपके लिए ये सब रहने वाला है। इसके अलावा जो ये ढांचा है 5+3+3+4 का, इसमें पहले 5 है 3 से लेकर 8 वर्ष के लिए, अगले 3 हैं 8 से 11, फिर अगले 3 हैं 11 से 14 वर्ष, और फिर जो आखिरी 4 वर्ष हैं वह 14 से 18 वर्ष तक की उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इस पूरे फॉर्मेट को हम 4 स्टेजेज में बांट सकते हैं। पहली स्टेज आपकी फाउंडेशन स्टेज, जिसमें कि हमने आपको बताया प्राइमरी स्टेज से लेके कक्षा 2 तक यानी 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे होंगे। इसमें पहले जो 3 वर्ष तक के बच्चे हैं इनमें आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग की शिक्षा लेंगे। तो आंगनवाड़ी तो जो जिनके गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं उनके लिए, बाकी जो प्राइवेट में होते हैं उनकी वो 3 साल की प्री स्कूलिंग होगी ही, और अगले 2 वर्ष में कक्षा 1 और 2 में पढ़ेंगे। सिलेबस चेंज किया जाएगा आपको ये बता दें। प्रिपेटरी जो स्टेज है इसमें कक्षा 3 से लेकर 5 तक की शिक्षा ग्रहण करेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाएंगे, गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, इसे प्रिपेटरी स्टेज कहा गया है। 8 से 11 वर्ष तक के इसमें बच्चे होंगे। फिर आपकी है मिडिल स्टेज, जिसमें क्या होगा कि 11 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे और इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा है वो ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग, ऐप बनाना, ऐसी स्किल्स भी सिखाई जाएगी ताकि आप में एक स्किल हो और आगे जाके आपको रोज़गार मिल सके 10th क्लास के बाद भी। सेकेंडरी स्टेज है आपकी 14 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा ग्रहण करेंगे और भी अदर जो स्किल्स हैं वो आपको दी जाएंगी, और साथ ही आप जो सब्जेक्ट्स जो आप ले रहे हैं कक्षा 11 में उनमें भी आप ऑप्शनल आपके पास रहेंगे कि अगर आप कला वर्ग के हैं या साइंस वर्ग के हैं तो इनमें कोई अंतर नहीं होगा आपस में। आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस के विषय को भी पढ़ सकते हैं, और साइंस के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स के जो विषय हैं इनमें इनको भी पढ़ सकते हैं। कक्षा 12 के बाद में आपको बहुस्तरीय जो प्रवेश और विकास प्रणाली विकसित की गई है, यानी कि जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री दी जाएगी। यानी कि एक तो आपको कक्षा 12 के बाद आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं उसके लिए एक विकसित प्रणाली तैयार की गई है, जिसमें आपको एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही
आपको जो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है, जो पहले साल के साथ आपको, अगर आप एक साल के लिए कोई कोर्स करते हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट, 2 साल के लिए डिप्लोमा और 3 या 4 साल के लिए कोई कोर्स करते हैं तो उसमें डिग्री दी जाएगी। नए सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल सकेगी। तो 4 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है और फिर MA या उसके बाद MPhil के सीधे PhD कर सकते हैं, यानी कि बिना MPhil के, जो पहले आपको MPhil करनी पड़ती थी, अगर आपने 4 साल का डिग्री प्रोग्राम किया और फिर MA किया और उसके बाद फिर आपको MPhil करके और फिर आप PhD कर सकते थे, अब MPhil को हटा दिया, आप सीधे ही बिना MPhil के ही जो है PhD कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है PhD वाले स्टूडेंट्स के लिए जो PhD करना चाहते हैं। इसके अलावा जो सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा मानक है वो समान रहने वाले हैं। जैसे पिछले वर्षों में कोई भी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग सिलेबस बनाए जाते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा, अब संपूर्ण देश के लिए एक सिलेबस लागू किया जाएगा, एक देश एक सिलेबस। इसमें नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन है NRF, उसकी स्थापना होगी, जिससे कि रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब 5वीं कक्षा जो है आपकी, 5वीं कक्षा तक जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में होगी, यानी कि दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही होगी, यानी अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता यहीं समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आप 5वीं कक्षा तक अपने बच्चों को मराठी स्कूल या गुजराती भाषा में पढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अंग्रेजी अब सिर्फ एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी, इसके साथ ही स्कूलों का जबरन अंग्रेजी जो करण का दौर है, यानी इंग्लिश मीडियम का जो चलन है, उसको समाप्त करने की ये कवायद है। इसके साथ ही जो 6वीं कक्षा से बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा, इससे भारत के छात्र भी चीन जैसे देशों की तरफ पर छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर बनाने का जो है तजुर्बा सीख जाएंगे। अगर किसी छात्र की किसी विषय में रुचि है और वो उसकी प्रैक्टिकल जानकारी हासिल करना चाहता है तो वो कर सकता है। अगर कोई बच्चा पेंटिंग करना का शौक रखता है तो वो किसी पेंटर के पास इंटर्नशिप के लिए जा सकता है। ये एक नया जो है परिवर्तन, बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा। इसके अलावा जो आपके सालाना के बजाय अब सेमेस्टर आधारित आपकी परीक्षाएं होंगी, यानी कि 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की जो परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होगी। वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने पर एक वर्षा आपकी जो है परीक्षा होगी। दोनों सेमेस्टर के अंक जोड़कर आपकी अंतिम अंक तालिका जो है तैयार की जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि अब तक छात्र के तौर पर आपको पूरे वर्ष पढ़ाई करनी होगी और आप ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि आप सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अलावा बोर्ड एग्ज़ाम को आसान बनाया जाएगा, बोर्ड परीक्षाओं को आसान इस तरीके से बनाया जाएगा कि छात्रों की क्षमता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। स्टूडेंट्स और कोचिंग क्लास के जरिए रट्टा लगवाने की आदत को समाप्त कर दिया जाएगा और बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को अब उनकी पसंद की भाषा में परीक्षा देने की छूट होगी। उदाहरण के लिए अगर आप चाहें तो हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। अब रिपोर्ट कार्ड में आपकी जो शिक्षणेत्तर गतिविधियों के भी अंक जुड़ेंगे, यानी रिपोर्ट कार्ड को भी अब पहले की तरह नहीं किया जाएगा। किसी छात्र को अंक देते समय उसके व्यवहार, मानसिक क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। विषय पढ़ाने वाले शिक्षक भी छात्रों को अंक देंगे और छात्रों की सहपाठी भी उनका आंकलन करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, यानी कि आपके जो साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त वगैरह हैं, वो भी आपके बारे में अपना फीडबैक देंगे। इसके अलावा जो आपके टीचर हैं वो भी आपको अलग से मार्क्स दे पाएंगे। आपका व्यवहार, आपकी जो मानसिक क्षमता है, आपकी जो विश्लेषण की क्षमता है, उस स्तर को शिक्षक देखते हुए आपको मार्क्स देगा। और इसके लिए एक कंप्लीट प्रक्रिया होगी, ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टूडेंट जो है किसी टीचर का फेवरेट है या उस टीचरों को जो है ये अधिकार नहीं होगा कि वो अपने किसी फेवरेट स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मार्क्स दे दें, ज़बरदस्ती के मार्क्स दे दें। हालांकि हो सकता है कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी हो, लेकिन इसका भी एक प्रक्रिया होगी जिसके तहत इस सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया रखा जा सके। इसके अलावा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट से भी मिल सकेगा कॉलेज में दाखिला, यानी कॉलेजेस में जो एडमिशन होता है 12th के बाद, आपको एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट से भी एडमिशन मिल जाएगा। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी इस शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं।
अब छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम में आपके नंबर्स इतने नहीं आए हैं कि आपको कट ऑफ के आधार पर सीधे कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट में आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको 12वीं कक्षा के नतीजों के साथ जोड़ दिया जाएगा और उसके आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। यानी आज तक का जो एक सिस्टम चल रहा था कि आपकी 12वीं के परसेंटेज के आधार पर कॉलेज वाले जो है कट ऑफ लिस्ट जारी करते थे, बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं टेक्निकल को छोड़ करके, टेक्निकल और जो मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ करके जो अन्य जो कॉलेजों का सिस्टम था गवर्नमेंट और प्राइवेट, जिसमें कि परसेंटेज 12th के परसेंटेज के आधार पर कट ऑफ देखी जाती थी। अब एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा तो 12th के जो आपके मार्क्स होंगे और उस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के जो मार्क्स होंगे उनको कंबाइन करके फिर आपका जो है मूल्यांकन किया जाएगा और उसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए मौका है जो किसी कारण से 12th कक्षा में मार्क्स अच्छे नहीं ला पाते हैं, फिर वो मेहनत करके जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा 2020 की जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसकी नई बातें क्या क्या हैं वो भी स्टूडेंट्स को टीचर्स को जान लेना चाहिए। इसके अलावा जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको भी ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखना चाहिए कि नई शिक्षा नीति में अब 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के तहत उच्च जो शैक्षणिक संस्थानों में विश्व स्तरीय अनुसंधान उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर दिया गया है, अब हायर एजुकेशन में वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर फोकस किया जाएगा, पाठ्यक्रम में भारतीय पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश भी की गई है। इसके अलावा क्या नया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019-20 जिसे 2020 कहा जा रहा है को भारतीय लोगों उनकी परंपराओं संस्कृतियों और भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलते समाज की जरूरतों के आधार पर तैयार किया गया है। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का ढांचा भी जो है वो बदला जाएगा। इसके अलावा अब जो कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, यानी आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अपने कॉलेज लेवल की जो आपकी पढ़ाई होगी उसमें आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप संगीत का सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप योग का सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसी तरह इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि स्कूली शिक्षा, उस शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी जो शिक्षा हैं जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को भी इसके दायरे में लाया गया है। नई शिक्षा नीति बच्चों में जीवन जीने के जो जरूरी कौशल और जरूरी क्षमताओं को विकसित किए जाने पर जोर देती है। दोस्तों ये आर्टिकल आप हमारी जो वेबसाइट है examsarthi.blogspot.com जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, जो कि UPSC के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, इसके अलावा जो कोचिंग्स में पढ़ाने वाले टीचर हैं, इसके अलावा जो हायर एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो वीडियो महत्वपूर्ण होगा क्योंकि डिटेल्ड वीडियो होगा। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, या जो टीचर हैं जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।